हेलो माय गॉर्जियस लेडीज, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैंने अपने काफ़ी सारे पुराने वीडियोस में बात की है कि कैसे आज हम अपनी फेमिनिन साइड से दूर होते जा रहे हैं, और इसका रीज़न है कि आज हम पूरे टाइम मैस्कुलिन जॉब्स कर रहे हैं, रेस्ट नहीं ले रहे, टाइम पे सो नहीं रहे। बट आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम फेमिनिन बॉडी लैंग्वेज यूज़ करके ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सकते हैं, ज़्यादा एलिगेंट बन सकते हैं। आगे जाने से पहले मैं ये बता दूं कि हम सब ना डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं अपने क्लाइंट्स के साथ होती हूँ, मैं उन्हें पर्सनल ट्रेनिंग करा रही होती हूँ, तो उस टाइम पे मेरी बॉडी लैंग्वेज मैस्कुलिन होती है, क्योंकि मैं उनके साथ स्ट्रिक्ट होती हूँ, नहीं तो वो सुनेंगे नहीं, नहीं तो वो ट्रेनिंग करेंगे नहीं। बट वहीं पे जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ, या मैं डेट पे हूँ, तो उस टाइम पे मेरी बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा फेमिनिन होती है, क्योंकि उस टाइम पे मैं अपनी केयरिंग साइड, अपनी लविंग साइड उन्हें दिखा रही होती हूँ। मैं उनके सामने एग्रेसिव नहीं होती ज़्यादा, मैं डोमिनेंट नहीं होती, जो कि एक्चुअल में मैस्कुलिन ट्रेट है। मैस्कुलिन बॉडी लैंग्वेज यूजुअली हम अपने काम पे यूज़ कर रहे होते हैं, या जब हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, जब हमें अपने आप को डोमिनेंट दिखाना होता है, अपना अग्रेशन दिखाना होता है, तो हम मैस्कुलिन बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। कई ऐसे प्रोफेशंस भी होते हैं जिनमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती मैस्कुलिन बॉडी लैंग्वेज की, बट यूजुअली हम अपने काम पे मैस्कुलिन बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। सो हमें पता होना चाहिए कब हमें कौन सी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करनी है। और अगर हम सोचो डेट पे हैं, हम किसी लड़के के साथ हैं जो खुद बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत मैस्कुलिन है, उसके साथ अगर हम अपनी मैस्कुलिन बॉडी लैंग्वेज दिखाएंगे, तो क्या होगा, ये दोनों एनर्जीज, सेम एनर्जीज ना एक दूसरे से दूर होती हैं। अगर हम अपनी फेमिनिन साइड को बाहर लाएंगे एक मैस्कुलिन मेल के साथ, तो ये एनर्जीज अट्रैक्ट करती हैं। सो जब भी हम डेट पे हैं, अगर हम अपनी फेमिनिन बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, लड़के के लिए वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि ऑपोजिट एनर्जी है, दूसरी एनर्जी है जो उसको अट्रैक्ट करती है। सो आज स्पेसिफिकली हम फेमिनिन बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। सो स्टार्ट करेंगे हमारे पॉइंट नंबर वन से, जो कि है पोस्चर। एक करेक्ट पोस्चर हमेशा कॉन्फिडेंस एग्जूट करता है। सो हमें देखना है कि हमारा पोस्चर ठीक है या नहीं है। और ठीक पोस्चर से मेरा मतलब क्या है कि हमारी जो चिन होनी चाहिए पैरेलल टू द ग्राउंड होनी चाहिए, हेड हाई होना चाहिए, शोल्डर्स रोल बैक होने चाहिए, न्यूट्रल स्पाइन होनी चाहिए, और स्टमक जो है हमारा टक्ड इन होना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन। सो जब भी हम बहुत ज़्यादा एरोगेंट फील कर रहे होते हैं, या हमें किसी से नाराज़ होते हैं, हमारा कैसे हो जाता है, मुंह ऐसे हो जाता है, हम अपनी चिन को हाई कर लेते हैं, तो इससे हम क्या लगते हैं, ज़्यादा एरोगेंट लगते हैं, ज़्यादा डोमिनेंट लगते हैं। सो हमें चिन को हाई नहीं करना। वहीं पे अगर हम चिन को बहुत डाउन कर लेते हैं, हम जब शर्मा रहे होते हैं तब करते हैं, या हमें लोगों से डर लग रहा होता है, हम नर्वस होते हैं, तो हम अपने आप को छुपाते हैं। ये चिन डाउन करी मतलब बहुत शाय है या नर्वस है, तो हमें अपनी चिन को हमेशा पैरेलल रखना है टू द ग्राउंड। उसके बाद जब हमारे शोल्डर्स हैं, शोल्डर्स को अगर हम बहुत आगे रखे हुए हैं, इससे हमारी चेस्ट जो है अंदर चली जाती है और हम बहुत वीक लगते हैं। सो हमें शोल्डर्स को पीछे रखना है थोड़ा सा, इससे हमारी चेस्ट बाहर आएगी, हम स्ट्रांग लगते हैं, इससे हमें ये नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा वीक हैं। उसके बाद हमारी स्पाइन जो होनी चाहिए न्यूट्रल होनी चाहिए। न्यूट्रल स्पाइन से मतलब क्या है कि जो हमारी स्पाइन का नेचुरल कर्व है वो वैसा रहना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बोलूँ अपनी बैक को एकदम स्ट्रेट करो तो लोग एक्स्ट्रा उसको स्ट्रेट कर देते हैं, उसका न्यूट्रल जो कर्व है उसको मेंटेन नहीं करते। सो हमें न्यूट्रल स्पाइन रखनी है और अपनी कोर मसल्स को यूज़ करना है जब भी हम खड़े हैं या बैठे हैं, स्टमक को टक इन करना है। अब बहुत सारे लोगों का ना आज पोस्चर ख़राब क्यों हो गया है, क्योंकि हम पूरे टाइम बैठे रहते हैं एक ही जगह पे, लैपटॉप पे झुक के काम करते रहते हैं, ढंग से हम सोए नहीं, स्लीपिंग पोस्चर ख़राब है, तो भी हमारा पोस्चर ख़राब हो जाता है। कई बार हम एक ही जगह बैठे हैं, कई मसल्स वीक हो जाती है, कई मसल्स स्टिफ हो जाती है। सो हमें देखना है एक बार शीशे में खड़े होके कि हम ठीक लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, हमारा पोस्चर कैसा है, कहाँ पे हमें काम करना है। कई बार लोगों की बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, तो हम स्ट्रेचिंग करेंगे तो वो स्टिफनेस कम हो जाएगी। वहीं पे कोई मसल वीक है तो हम उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो देखो आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये बात हो गई करेक्ट पोस्चर की। इसमें हम थोड़ा सा फेमिनिन एलिमेंट डालें तो हमें अपने पोस्चर को ना थोड़ा वेलकमिंग रखना है। अगर सोचो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ऐसे भी कॉन्फिडेंट लग रही हूँ, बट ये पोस्चर जो है ना ये फेमिनिन नहीं है, क्योंकि मैं
किसी को मैं ओपन नहीं लग रही, और फेमिनिन होने का मतलब ये है कि मैं वेलकम कर रही हूँ लोगों को, मैं ओपन हूँ। सो फेमिनिन पॉस्चर से, फेमिनिन बॉडी लैंग्वेज में क्या है कि हमें कॉन्फिडेंस तो डालना है बट अपने पॉस्चर को भी थोड़ा ओपन रखना है, क्योंकि ऐसा किसी को ना लगे कि मैं इसको अप्रोच ही नहीं कर सकता या मैं तो इससे बात ही नहीं कर सकती। थोड़ा सा हम अपने पॉस्चर को ओपन रखेंगे सो वो ज़्यादा फेमिनिन लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लेग्स की। आपने कभी देखा होगा बॉडीगार्ड्स कैसे खड़े होते हैं। बॉडीगार्ड्स ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, उनके लेग्स में जो होता है काफ़ी डिस्टेंस होता है, वो दिखा रहे होते हैं कि हम किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अग्रेसिव हैं, हम डोमिनेंट हैं, ठीक है, वो ज़्यादा स्पेस ले रहे होते हैं। बट वहीं पे आप फेमिनिन और एलिगेंट लेडीज़ जैसे कि केट मिडलटन को देखोगे, डायना को देखोगे, तो देखोगे जब भी वो खड़ी होती है ना, उनके पैर बहुत पास पास होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं ले रही होती है लेडीज़। क्योंकि क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा अपने पैरों को खुला रखते हैं, वो दिखा रहे होते हैं हम डोमिनेंट हैं, हम ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। वहीं पे जब हम अपने पैरों को पास में रखते हैं तो उससे हमारी बॉडी के कर्व्स भी अच्छे लगते हैं, वी लुक स्लेंडर, और उससे हम ज़्यादा फेमिनिन और ज़्यादा एलिगेंट लगते हैं। सो हम पैरों को पास में जब रखेंगे ज़्यादा फेमिनिन लगेंगे। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, वॉकिंग स्टाइल। भले वो मैरिलिन मोनरो की वॉक हो या फिर मैं हूं नामे मिस चांदनी सुष्मिता की वॉक हो, एक अच्छी वॉक हर कोई नोटिस करता है। और तुमने काफ़ी सारे सॉन्ग्स में भी सुना होगा कि एक लड़की ऐसे वॉक करती है, एक लड़की वैसे वॉक करती है। इतना वॉक पे बात इसलिए होती है क्योंकि नेचुरली लड़कियां लड़कों से डिफरेंट तरीके से चलती हैं, और इसका एक बड़ा रीज़न है कि हमारी जो पेल्विक बोन है वो ज़्यादा वाइड होती है एज़ कम्पेयर टू गाइस, क्योंकि हमें प्रेगनेंसी को एकोमोडेट करना होता है, हमारी बॉडी उस तरीके से डिज़ाइंड है। तो हम जब चलते हैं ना, हमारी जो पेल्विक बोन है वो फीमर के साथ साथ मूव करती है, तो नेचुरल एक हिप स्विंग दिखता है जो कि लड़के जब चलते हैं तो उनका नहीं होता। सो ये फेमिनिन लगता है, ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है जब एक लड़की चलती है और उसका हिप स्विंग होता है साथ में। बट आज हम लड़कियां, क्योंकि हम ज़्यादा मैस्कुलिन हो गए हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं हम कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हमारा कई लड़कियों का ये चीज़ नहीं होती है, वो बिल्कुल लड़कों की तरह चल रही होती हैं जो कि फेमिनिन नहीं लगता। तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को चेंज करने के लिए, हम अपनी वॉक को प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा एलिगेंट लगे, ज़्यादा फेमिनिन लगे। और प्रैक्टिस करने के लिए मिरर के सामने खड़े हो और वॉक करने की कोशिश करो। वॉक कैसे करनी है, जस्ट इमेजिन कि एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर हमें वॉक करनी है, एक जो हमारा पैर होगा उसके आगे दूसरा रखना है, ये 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 ये। जब हम वॉक करेंगे ना तो नेचुरल हिप स्विंग आने लग जाएगा, और जब भी तुम वॉक कर रहे हो अगर हील्स पहन के वॉक करोगे तो ज़्यादा अच्छे से तुम्हें हिप स्विंग दिखेगा, जो वॉक होगी ज़्यादा एलिगेंट होगी और तुम ज़्यादा स्लेंडर भी लगोगे। बट क्योंकि हम हील्स पूरे टाइम नहीं पहन सकते, और मैं ये नहीं बोल रही तुम्हें ज़बरदस्ती हील्स पहननी है, पूरे टाइम हील्स पहनना हेल्दी भी नहीं है, तो तुम फ्लैट के साथ भी कर सकते हो, बट ज़्यादा फेमिनिन जब हम लगते हैं वो तभी लगते हैं जब हम हील्स पहनते हैं। सो प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे तुम्हें ये जो हो गया ना आदत हो जाएगी उसकी कि कैसे तुम्हें वॉक करना है, और नेचुरल मूवमेंट लगनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगना चाहिए कि ज़बरदस्ती तुम हिप स्विंग दे रहे हो। और जब भी हम आर्म्स की बात करते हैं चलते हुए, बहुत सारे लोगों की आर्म्स जो होती हैं स्टिफ होती हैं, वो बिल्कुल मूव नहीं करते, और कई लोग पूरा मूव कर रहे होते हैं। सो हमें बस नेचुरल रखना है अपनी आर्म्स को, बॉडी के साथ साथ मूव करना है उनको, बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं रखना और बहुत ज़्यादा भी मूव नहीं करना, क्योंकि वो अननेचुरल लगता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। सो इस चीज़ को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। पॉइंट नंबर 4, बात करते हैं आर्म्स की। जब भी हम आर्म प्लेसमेंट की बात करें कि हमें अपनी आर्म्स को कैसे रखना चाहिए, अपनी बॉडी से हमें आर्म्स को बहुत दूर नहीं रखना, क्योंकि मैं ऐसे बैठूंगी तो ये बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन और डोमिनेंट लगता है। वहीं पे जब मैं ऐसे बैठती हूँ तो ये बहुत ही ऐसा लगता है मैं वीक हूँ या मैं शर्मा रही हूँ। सो हमें अपनी जो आर्म्स है उसको बॉडी के पास रखना है, बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं रखना। हमारी जो आर्म्स है इस तरीके से होनी चाहिए कि हम ये भी ना लगे कि हम किसी को अपने से दूर कर रहे हैं, हम बिल्कुल ही वेलकम नहीं कर रहे किसी को, क्योंकि फेमिनिन होने का मतलब है फ्रेंडली होना, तुम ओपन हो, ठीक है, तुम लोगों को अपने पास खींच रहे हो। बट जब हम ऐसे करते हैं इट मीन्स तुम बोल रहे हो दूर रहो मेरे से, ठीक है, तो हमें ये पोस्चर नहीं करना और ये भी नहीं करना, क्योंकि ये एलिगेंट नहीं लगता। नेक्स्ट चीज़ जो हम आर्म्स के बारे में दिमाग में रख सकते हैं,
वो ये कि जब भी हम आर्म्स को मूव कर रहे हैं ना, बहुत ही फ्लोइंग मूवमेंट्स होनी चाहिए. जैसे ओम शांति ओम में यू रिमेम्बर दीपिका जब कार से निकल रही होती है, वो कैसे वेव कर रही होती है लाइक दिस. सो उस टाइम पे बहुत ही फ्लोइंग मूवमेंट होती है. बट तुम किसी पॉलिटिशियन को देखोगे तो वो कैसे हाथ मूव कर रहा होता है अपना, उनकी जो आर्म्स होती है बहुत ही स्टिफ होती है, उतनी फ्लोई नहीं होती. क्योंकि फ्लोई चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, फेमिनिनिटी को, वहीं पे स्टिफनेस मैस्कुलिन एनर्जी को. सो जब भी अपनी आर्म्स को मूव कर रहे हो बहुत स्टिफ मत रखो, थोड़ा फ्लोई होनी चाहिए वो. उस तरीके से मूव करोगे तो वो ज़्यादा फेमिनिन लगेगा. पॉइंट नंबर 5, टच. जब भी हम टच की बात कर रहे हैं, भले वो अपने आप को तुम टच कर रहे हो या किसी और फ्रेंड को या किसी डेट पे हो, किसी गाय को टच कर रहे हो, टच बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए. क्योंकि जो बहुत ज़्यादा टाइट हम किसी को पकड़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन लगता है, बहुत अग्रेसिव लगता है. इवन तुम किसी फ्रेंड से मिल रहे हो, अगर उसको बिल्कुल ही ऐसे मार रहे हो, सपोज ये उसका शोल्डर, यू आर लाइक ये. सो ये बहुत ही मैस्कुलिन है. वहीं पर अगर तुम जेंटली किसी पर हाथ रख रहे हो या बात करते करते तुम अपने आप को टच कर रहे हो, सो जब भी हम सॉफ्टली टच करते हैं वो बहुत ही फेमिनिन लगता है. वहीं पे जब हम बहुत ज़्यादा किसी को टाइटली पकड़ते हैं या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में मार रहे होते हैं तो वो मैस्कुलिन होता है ऑफकोर्स. सो जब भी अपने आप को टच कर रहे हो या किसी फ्रेंड को या डेट पे हो, किसी गाय को स्लाइटली टच कर रहे हो, जस्ट बी वेरी जेंटल. वो ज़्यादा फेमिनिन लगता है, ज़्यादा ब्यूटिफुल लगता है. पॉइंट नंबर 6, स्माइल. जब भी हम स्माइल करते हैं हम ज़्यादा फ्रेंडली लगते हैं, हम ज़्यादा लविंग लगते हैं, लोग हमें इजीली अप्रोच कर पाते हैं. बट जब हम स्माइल नहीं कर रहे होते, हमारा रेस्टिंग बी फेस होता है, तो मेरे को लोग अप्रोच नहीं कर सकते. क्योंकि ये जो चीज़ मैं दिखा रही हूँ वो ये बोल रही है स्टे अवे. सो अपनी हम जेन्युइन स्माइल रखेंगे जब हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा फेमिनिन लगे, हमारी बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा फेमिनिन हो. और जेन्युइन स्माइल से मेरा मतलब क्या है, एक हम फेक स्माइल करते हैं जिसमें हम हमारा जो बस लोअर फेस होता है वहां की मसल यूज होती है. लुक एट दिस, सिर्फ मेरे यहाँ की मसल यूज हो रही है. बट एक जेन्युइन स्माइल जो होती है, जो फेक नहीं है, उसमें मेरे आईज के अराउंड भी जो मसल्स होती है ना वो यूज होती है. लुक एट दिस, यहां पे भी मसल यूज हो रही है, सिर्फ यहां पे नहीं है. सो ये स्माइल जो है ज्यादा जेन्युइन लगती है. बट ये स्माइल के साथ ये चीज़ है, जब हम डेट पे हैं या कोई हमारे अराउंड बहुत सारे लोग हैं, हम हमेशा स्माइल करते रहे तो वो कुछ ज़्यादा ही लगता है कि ये हमेशा स्माइल कर रही है. मतलब वो ज़्यादा कई बार ऐसा लगता है कि मैं बहुत इजी हूँ, मेरे से बात करना बहुत ही इजी है. तो वो चीज़ गलत तरीके से भी कई बार लोग परसीव करते हैं. सो अगर तुम्हें हमेशा स्माइल नहीं करनी तो तुम बस ये कर सकते हो कि तुम्हें फेस को बिल्कुल ऐसे नहीं रखना, इसको बस थोड़ा सा लिफ्ट कर देना है. जैसे हम स्माइली देखते हैं ना, जो स्माइल वाला स्माइली होता है वो ऐसे होता है, सैड ऐसे होता है, न्यूट्रल ऐसे होता है. सो हमें जो न्यूट्रल वाला स्माइली ना उसको थोड़ा सा ऊपर पुश कर देना, बहुत ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा, ताकि हमारी चीक बोन्स थोड़ी सी लिफ्ट हो जाए. सो इट शुड बी लाइक दिस, ये जो है हल्का सा ऊपर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये भी नहीं लग रहा कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, मेरे को अप्रोच नहीं कर सकते कोई. सो हमें एक जेन्युइन स्माइल रखनी है, और जब पूरे टाइम स्माइल नहीं कर सकते बस इसको थोड़ा सा ऊपर रखना है. अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी आइज की. आइज के थ्रू हम अपने इमोशंस और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, भले वो डायना की आइज हो, जैसे वो अपने इंटरव्यूज में अपने इमोशंस को अपनी आइज के थ्रू एक्सप्रेस करती है, या फिर हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या राय हो. हम देख सकते हैं कि कई लड़कियां अपनी आईज के थ्रू कितने अच्छे से बात करती हैं. जो हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते वो हमारी आईज बोल देती है. हम अपनी आईज से जब इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं वो बहुत ही फेमिनिन लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. सो हमें अपनी आईज को यूज़ करना है जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं. इसके अलावा जब हम आई कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, अगर हम कॉन्टिन्यूसली अपने जो सामने बंदा खड़ा है उसको कॉन्टिन्यूसली देखे जा रहे हैं, बहुत ही अग्रेसिव हमारा आई कॉन्टैक्ट है, तो हम बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन लगते हैं. वहीं पे जब हम सामने वाले को देख ही नहीं पा रहे, हम हमेशा नीचे देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है हमारे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है. सो हमें जो अपना आई कॉन्टैक्ट है वो इस तरीके से रखना है कि हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी ना लगें और हम अंडर कॉन्फिडेंट भी ना लगें. सो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब हम बात कर रहे हैं फेमिनिन बॉडी लैंग्वेज की. Now I'll see you in my next video. Until next time, take care.